हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आस्क हेल्थ गुरु में। क्या आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या सिर्फ 3-4 दिन होती है बट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्लॉट्स आते हैं या फिर 15-20 दिन तक खिंच जाते हैं, पीरियड्स बंद नहीं होते, फाइब्रॉइड की समस्या के साथ ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आज मैं आपको देने वाली हूँ एक सिंगल आयुर्वेदिक फार्मूला जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, जिसे लेने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फटाफट से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अगर आपको बहुत टाइम से एक्सेसिव ब्लीडिंग है और ठीक नहीं हो रही है तो आप प्रॉपर कंसल्टेशन गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक फार्मूला की जो बहुत इफेक्टिव है और बहुत सालों से मैं उसे प्रैक्टिस कर भी रही हूँ। तो उसमें पहला इन्ग्रेडियंट है फिटकरी। जी हाँ, आई एम श्योर कि आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये फिटकरी तो वो चीज़ है जो कि शेविंग के बाद मेन यूज़ करते हैं। तो इसी फिटकरी को प्योर करके हम स्फटिक भस्म बनाते हैं आयुर्वेद में। स्फटिक भस्म आपको आयुर्वेदिक स्टोर या फिर ऑनलाइन मिल जाएगी। आपको लेना है 5 ग्राम स्फटिक भस्म और 50 ग्राम के करीब पुष्यानुक चूर्ण। अब इन दोनों को आप आपस में मिला लें, बहुत अच्छे से मिला लें। 1 बड़ा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और रात का खाना खाने के बाद आपको लेना है। किससे लेना है? अशोका ऋच से लेना है। आपको 5 चम्मच अशोका ऋच, उसमें 5 चम्मच ही पानी मिलाएंगे और इसी से आपको सुबह शाम ये पाउडर मिक्सचर लेना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपकी ब्लीडिंग को डेफिनेटली कंट्रोल करेगा। बट हाँ, अगर डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर लेंगे तो वो डेफिनेटली और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये फार्मूला आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।